दोस्तों, आज वर्ल्ड किडनी डे है। हर साल मार्च के सेकंड थर्सडे को हम वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, अवेयरनेस लाने के लिए किडनी की बीमारियों के बारे में और किडनी की बीमारियों को कैसे प्रिवेंट करें। आज हम बात करेंगे कि यंगस्टर्स के अंदर ऐसी क्या कौन से जो हैबिट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अपनी किडनी हेल्थ को लेकर के उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। यंगस्टर्स पे क्यों फोकस किया जा रहा है कि काफ़ी बार ये जो किडनी की बीमारियां हैं वो यंग एज में हो जाती हैं या यंग एज में शुरुआत होती है, और कई बार यंगस्टर्स इस चीज़ को लेके अन अवेयर रहते हैं कि उनको भी किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जनरली जो एजम्पशन होती है कि मैं यंग हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ये गलत फहमी है। और काफ़ी यंगस्टर्स को किडनी प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है, उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि पेन किलर्स। हर कोई आजकल चाहता है कि क्विक फिक्स हो, जैसे कोई प्रोलॉन्ग पेन हो रही है उनको किसी भी कारण से, भले वो जैसे आजकल लोग जिमिंग करते हैं, रेगुलर जिमिंग करते हैं, कई बार वो अनअकस्टम्ड एक्सरसाइजेस करते हैं और पेन हुआ तो वो उनको, जबकि आइडियली चाहिए कि उस टाइम पे वो रेस्ट करें। अगर कोई मसल इंजरी हुई है, कई बार वो पेन किलर्स लेना शुरू करते हैं और वो कई बार वो पेन किलर्स लंबा चलती रहती हैं, अनसुपरवाइज चलती हैं, क्योंकि पेन किलर्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। ये है। यहाँ इसके अलावा स्ट्रेस बहुत कॉमन है आजकल की लाइफ में, माइग्रेन्स होती हैं, हेडेक्स होती हैं, बैक एक्स होती हैं प्रोलॉन्ग सेटिंग की वजह से। अगेन उसके अंदर कोई फिक्स होता है कि पेन किलर ले ली जाए रादर देन ट्रीटिंग द अंडरलाइन कॉज। तो प्रोलॉन्ग पेन किलर यूज़ या फिर रादर अब्यूज़ बोलना चाहिए उसको, उसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती हैं। तो अगर कोई आपको पेनफुल कंडीशंस हैं तो अंडरलाइन चीज़ का इलाज करना चाहिए रादर देन कि पेन किलर से उसका क्विक फिक्स सॉल्यूशन हम ढूंढें। नंबर दो, अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज। आजकल जो है एक अच्छी बात है कि यंगस्टर्स जो हैं दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, वो लोग जिमिंग करते हैं या फिर मैराथन्स या रनिंग ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि अचानक से अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज करनी नहीं शुरू करनी चाहिए, अंडर सुपरविजन करनी चाहिए। ग्रेजुअली अपना स्टैमिना बिल्ड करें, अचानक से पहले दिन ही जो है प्रोलॉन्ग रनिंग करने की कोशिश ना करें। कई बार उससे क्या होता है कि प्रोलॉन्ग रनिंग या प्रोलॉन्ग साइकिलिंग जो कि अनअकस्टम्ड है, आप उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं हैं, तो उससे मसल डैमेज होने का डर रहता है। और वो मसल डैमेज की वजह से जो मसल की एक जो एक पिगमेंट होती है मायोग्लोबिन, वो जो है किडनी की वेसल्स को ब्लॉक करके उसको डैमेज कर सकती है, जो कि एक एक्यूट किडनी इंजरी का कारण बन सकता है। इसके अलावा जब भी आप एक्सरसाइज करें अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, और अगर कोई इंजरी हुई है, मसल इंजरी हुई है, तो उस चीज़ को रेस्ट दीजिए रादर देन की प्रोलॉन्ग यूज ऑफ पेन किलर्स। इसके अलावा जिम सप्लीमेंट्स, कई बार क्या होता है ऑलरेडी ऑल्दो मेजॉरिटी जो जिम सप्लीमेंट्स हैं अगर वो अच्छी कंपनी के हैं और सही मात्रा में अंडर सुपरविजन ली जाए तो उनका कंजम्पशन सेफ है, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि अंडरलाइन किडनी प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, और वो एक्सेसिव अमाउंट में जिम सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं। जिम सप्लीमेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो सेफ हैं और अंडर सुपरविजन दे आर बेनिफिशियल ऑल्सो, लेकिन विदाउट सुपरविजन एक्सेसिव अमाउंट्स और अगर वो अच्छी कंपनी के नहीं हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ, अगर एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम्स हैं किसी को ऑलरेडी और मालूम नहीं है, तो किडनी को नुकसान हो सकता है। बिकॉज जितने भी प्रोटीन्स हैं वो उसको किडनी को उसको फिल्टर आउट करना पड़ता है मेटाबोलाइज करके, तो अगर किडनीज ऑलरेडी कमज़ोर हैं किसी की और उनको मालूम नहीं है और वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसका बर्डन किडनीज के ऊपर आता है। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है एक बहुत अलार्मिंग मात्रा में बढ़ रही है और उसकी वजह से ना केवल बाकी बीमारियां जैसे कि लंग्स की प्रॉब्लम्स, कैंसर, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, बल्कि किडनी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। स्मोकिंग की वजह से एक तो जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है ऑर्गन्स को वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं या फिर उसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं,
वो भी किडनी को डैमेज करते हैं। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको कि बिल्कुल क्विट करना चाहिए। अगर आप क्विट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, और इसको बंद करने से ना केवल किडनी हेल्थ बल्कि जनरली इसकी वजह से होने वाली जो ब्लड प्रेशर है वो सब चीज़ों की रोकथाम से भी किडनी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं तो, और अगर वो पेन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलकर ओपिनियन लेना चाहिए कि कहीं वो आपकी किडनी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। काफ़ी बार लोगों को साइलेंट किडनी स्टोन्स पड़े रहते हैं, बहुत पेन नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किडनी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है किडनी डैमेज हो जाती है परमानेंटली। और एक ये प्रिवेंटेबल कॉज है जिसको कि ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। यंगस्टर्स में कई बार ऐसा होता है कि स्टोन्स हो चुके होते हैं, पेन कुछ हुआ होता है, वो अज्यूम कर लेते हैं कि बैक में कुछ स्ट्रेच हो गया था या पेन हो गया था, मसल पुल हो गया, जिम कर रहे थे उसकी वजह से है, और वो कई बार उस पेन को इग्नोर करते हैं। और अगर स्टोन होते भी हैं तो कई बार उनको लगता है कि ये निकल जाएंगे और मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं कराना है, मेरी एज में क्या प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से किडनी का नुकसान हो जाता है। ब्लड प्रेशर और शुगर, ये ऐसा नहीं है कि ये एल्डरली लोगों में ही होती हैं, आजकल यंगस्टर्स में भी पाई जाती है और इनका इंसिडेंस बढ़ रहा है दोनों का ही। तो आपको साल में एक बार ज़रूर अपने आप को स्क्रीन करवाना चाहिए, ना केवल शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बल्कि किडनी फंक्शंस के लिए भी और अल्ट्रासाउंड के लिए भी। तो अगर हम बात करें कि काफ़ी बार यंगस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो तो हेल्दी हैं, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कई बार बहुत ट्रिवियल सिम्टम्स होते हैं कि हेडेक हो रहा होता है, बस स्टैंड को ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हो चुका होता है, शुगर बढ़ी होती है, लेकिन उस चीज़ को वो इग्नोर कर जाते हैं और वो बाद में इस जो है किडनी को ही नहीं बाकी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो साल में एक बार अपना एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, जिसमें कि किडनी फंक्शन टेस्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर और अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम्स हैं तो वो अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो सकती हैं और उसकी रोकथाम हो सकती है। तो अपने आप को किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी प्रिकॉशंस लेनी हैं, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, अपना बॉडी वेट, आइडल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए, और सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं मेजॉरिटी टाइम वो फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड काफ़ी कंजम्पशन रहता है, वो ऑलरेडी बहुत नमक में रिच होता है, जिसकी वजह से जो किडनी के ऊपर है उसका सॉल्ट का लोड बढ़ जाता है और किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं और किडनी को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये सारी प्रिकॉशंस लेने से किडनी की हेल्थ जो है बेटर रह सकती है और हम जो है सीरियस किडनी इश्यूज से हम बच सकते हैं। किडनी कैंसर भी जो है वो अल्ट्रासाउंड में अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, और साल में एक बार अल्ट्रासाउंड अगर करवाते हैं तो कोई किडनी कैंसर जो है अगर अर्ली स्टेज में है तो उसको हम जल्दी ट्रीट कर सकते हैं बिना किडनी को रिमूव किए। और किडनी कैंसर ऐसा ही नहीं है कि एल्डरली में ही पाया जाता है, ये यंगस्टर्स में भी देखा जाता है, तो अगर ये सब प्रिकॉशंस हम लें तो अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उसको हम ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड किडनी हेल्थ डे पर हमें ये प्लेज लेना है कि हम अपनी किडनी को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, हम वो सारी प्रिकॉशंस लेंगे जिससे कि किडनी की हेल्थ ही नहीं बाकी ऑर्गन्स की हेल्थ भी ठीक रहे और हम एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली में।